हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज व्लॉग 9 है और आप लोग देख रहे हैं कितना जल्दी दिन चला जा रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। व्लॉग 9 हो गया और अभी तक इतना जल्दी, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। और ऐसे ही नीट का पेपर हमारा आ जाएगा, सोच रहे हैं आप लोग? तो तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मेरी तो खैर आप लोग देख ही रहे हैं कैसी चल रही है। और मेरे को दो चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, एक मेरा BSc फर्स्ट सेमेस्टर और ये तो जो मेरा एक और पढ़ाई है, वो तो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नीट वाला ही करती हूँ। तो वैसे भी मैं वो बहुत कम पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी बिल्कुल 12 घंटा 10 घंटा और इसको भी, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं यहाँ इसका क्लासेस होता है, सारी क्लासेस टू डू लिस्ट जो भी मेरा होते हैं मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज मैंने सेल्फ स्टडीज़ की जगह पे मैंने क्या किया था, टू डू लिस्ट में जो मेरा सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग था, मैंने उसमें अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया ताकि मैं कल कोई क्लास ना करूँ, क्योंकि अब रोज़ रोज़ क्लास करना इंसान थोड़ा सा इंटरेस्टेड फील करता है। और मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया और मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है तो उसे आप लोग इग्नोर कर देना, मतलब कमेंट में बता देना कि ये नहीं ये होता है, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन खैर कोई नहीं, हिंदी मीडियम लोगों की तो इंग्लिश ख़राब ही होती है। और हाँ, मैं हिंदी मीडियम से मैंने क्लास किया था। मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी, मैं कैसे मैंने 10th 12th में थी और अभी रहने देते हैं, कल बता दूँगी या फिर कभी और बता दूँगी, तो छोड़ो। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे मेरी, बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे मेरी स्टोरी से, मतलब मेरी जो चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से रिलेट करेंगे। और जो भी मैं टाइमिंग है कितना से कितना, मतलब मिनट में घंटा मैंने पढ़ा है, वो सब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है। बहुत सारे लोग मेरा टाइम टेबल मांग रहे थे, मेरी छोटी भी आ रही है वीडियो में, देख सकते हैं आप जैसे पागल, और कोई नहीं। और ठीक है, फिर पढ़ाई करते हैं हम लोग, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और तो मैं आ गई, खाना पीना नहाना, मतलब जो भी काम है हो गया सारे काम मेरे। और अभी 3:14 हो रहे हैं और ये मेरा टू डू लिस्ट। और ये देखो भाई, इनको हमेशा हमेशा इनको हमेशा हमेशा पीछे होना होता है, इनको हमेशा लेट रहते हैं, इसमें 3:14 इसमें 3:09। खैर इससे कोई मतलब ही नहीं है, और अरे इससे ही तो मतलब है, टाइम से ही मतलब है सारे यार। खैर, और मैंने टू डू लिस्ट में मैंने अपना ये कंप्लीट, बस ये डॉट प्रोडक्ट बाकी है और लिमिटिंग रिएजेंट। यार मतलब मेरी केमिस्ट्री के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री मतलब हो रही है, मैं क्या कहूँ, मेरे को तो प्यार हो गया है सच बताऊँ तो केमिस्ट्री से, मतलब सच में बहुत अच्छा लगने लगा है। मतलब लोग बोलते हैं कि वो सर केमिस्ट्री वाले टीचर का समझ नहीं आता, यार दीपक बाबा डीपी बाबा समझ में आ रहे हैं मेरे को सब चीज़ तो। और वो सर बोलते हैं ना कुछ लाइन बोलते हैं जिसको समझ में आ जाता है, तो कौन सी लाइन होती है, वेट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा लाइन, चलो छोड़ो, जब याद आएगा तो मैं बता दूँगी। और वाटर इनटेक देख रहे हो, मैं कितना पानी पीती हूँ, देख रहे हो ना, देख रहे हैं वो लोग, हाँ तो देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी करूँगी और सेल्फ स्टडी में तो इतना कुछ करना है। और ऑफकोर्स टेस्ट का मैं आज ब्रीदिंग चैप्टर्स मैंने दे दिया है, ब्रीदिंग चैप्टर्स तो मैं खैर कर ही रही थी। और आज मेरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट जो टॉपिक है वो करना है मेरे को, सेल यूनिट ऑफ लाइव आर्टिजा सेल एंड आवर व्यू ऑफ सेल ये सब भी करना है। और एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन क्वेश्चन और रीडिंग तो लगानी है मेरे को। तो आप लोग सोच रहे हो ये इतना क्यों तेज़ बोल रही है जो भी, क्योंकि मैं जब भी पढ़ने आती हूँ मैं इसी जोश के साथ आती हूँ ताकि मेरे को नींद ना आए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बचकानी हरकत है, तो है, क्या कर सकती हूँ मैं, मेरे में है मजाक कर रही हूँ। चलो ठीक है, करते हैं अभी 3:16 हो ही गया तो। हाँ लेट साहब बोलो। तो चलो ठीक है, बहुत हो गया इंटरटेनमेंट। पढ़ाई करते हैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल मुफ्त में है।
अभी आप 6:37 हो गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं वो ब्रीदिंग चैप्टर्स का वो कर टेस्ट का जो मैंने ये रखा है ना वो पढ़ रही थी, मैं याद कर रही थी, और सेल साइकिल का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, तो मैं वो वीडियो नहीं ले पाई। तो खैर कोई ना, वीडियो लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है मुझे पढ़ना। और मेरा आज का टू डू लिस्ट ये था, और ये मेरा डॉट प्रोडक्ट भी कम्प्लीट हो गया है, इसको भी करेंगे टिक। और मेरा ये सेल्फ स्टडी जो था, जो कि आज मैं इसे नहीं करूँगी क्योंकि मैं जो मेरा क्लास जो बैकलॉग था, जो दो क्लासेस मतलब आज का ये दोनों मेरा मैंने आज नहीं किया, मैंने कल का क्लास आज किया है फ्राइडे का, तो ये मैं आज का आज ही कर लेती हूँ, अभी टाइम है, और मैं कल ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो कल मिलते हैं, अभी मैं क्लास करने जा रही हूँ, तो क्लास के बाद मिलते हैं।